Hey guys, welcome to Pentek. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग रेंज फायर डिटेक्टर अलार्म। तो ये फायर अलार्म बहुत ही अच्छे से काम करता है 100% एक्यूरेट के साथ और ये बहुत डिस्टेंस से भी काम करता है और मैं इसको बनाया भी बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ 4 या 5 कंपोनेंट्स की मदद से। तो ये प्रोजेक्ट हाजी बहुत अमेजिंग होने वाला है और बात ऐसे एक प्रोजेक्ट इस चैनल पर बनाया था कुछ दिन पहले सिर्फ 3 कंपोनेंट को यूज करके और वो भी बहुत अच्छे से 100% एक्यूरेट के साथ काम करते हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चाहे मैं एक ट्रांजिस्टर BC547, ये एक बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से बहुत ही आसान से मिल जाता है और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद चाहे मैं एक रेजिस्टर 10 किलो ओम का, तो उसके एक पिन को हम जोड़ देंगे ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन के साथ। अब हम चाहिए एक और रेजिस्टर 1 किलो ओम का और इसके एक पिन को हम जोड़ देंगे ट्रांजिस्टर का बेस पिन के साथ और दूसरे पिन को हम जोड़ देंगे 10K रेजिस्टर का ये दूसरे वाला पिन के साथ। उसके बाद चाहे मैं एक फोटोडायोड और इससे IR रिसीवर भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात अच्छे से सुनना, ये कोई IR LED नहीं है, ये एक फोटोडायोड है, मतलब ये रिसीवर है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका पॉजिटिव पिन को जोड़ दिया इस रजिस्टर के साथ। उसके बाद देख सकते हो मैंने ले लिया एक LED और यहाँ पर आप किसी भी कलर का ले सकते हो। आप चाहो तो LED को नहीं भी लगा सकते हो, सिर्फ बाजार से ही काम चल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आउटपुट को अच्छे से दिखाने के लिए LED को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर LED का पॉजिटिव पिन को जोड़ दूंगा मैं फोटोडायोड का नेगेटिव पिन के साथ और नेगेटिव पिन को जोड़ दूंगा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन के साथ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। तो अब हम इसको देने जा रहे हैं पावर सप्लाई, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी और देख सकते हो इसके साथ में एक स्विच को भी जोड़ दिया ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा LED का पॉजिटिव पिन जहाँ पर जुड़ा है वहाँ पर और नेगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा ट्रांजिस्टर का इमीटर पिन पे। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा साइकिल लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए बेटर आउटपुट के लिए एक बाजार को भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बाजार को LED का पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मैच करके ही लगाना है। तो दोस्तों अभी हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए फिर इसको अच्छी तरह से टेस्ट करके दिखा देते हैं। और यहाँ पर आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, ये 100% जेन्युइन वीडियो है, बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है। और पेंटेक का वीडियोस को तो जरूर पता होगा, हमारे इस चैनल का सारे प्रोजेक्ट 100% वर्क करते हैं। तो चलिए फिर इस प्लास्टिक डिब्बे को इसके नीचे रख के हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो आग जलने से ही कैसे तुरंत बीप कर रहा है। और देख सकते हो सामने हाथ लाते ही बीप करने का से बंद हो रहा है, मतलब इसके सामने जब तक आग जलता रहेगा तब तक ये बीप करेगा। तो चलिए फिर इसको थोड़ा और दूर से भी टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये इससे भी बहुत दूर से काम करेगा, लेकिन देख सकते हैं ये फ्रेम में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और आप यहाँ तक आई गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।